देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बढ़ रही तेज गर्मी के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसे दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। मई में दूसरी बार दिल्ली का प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, यहां तक कि ओजोन यानी तीन सुरक्षित स्तर पार कर चुका है। अब ये खतरनाक लेवल PM2.5 तक चला गया है। कई लोग गर्मी की वजह से अपने घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जो निकल रहे हैं वो अपने मुंह पर मास्क पहनकर निकल रहे हैं। इस समय प्रदूषण की मुख्य वजह PM10 है। प्रदूषण जब सर्दियों में खतरनाक होता है तो स्मॉग के कारण ये प्रदूषण खुली आंखों से भी देखा जा सकता है, लेकिन गर्मियों में हम प्रदूषण को नहीं देख सकते। हालांकि तीन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से प्रदूषण का स्तर ज्यादा होने के कारण ऑक्साइड और नाइट्रोजन का स्तर भी कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा है। PM10 के बढ़ने की वजह धूल, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, गाड़ियां और इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है। इस समय प्रदूषण 3 से 4 गुना तक अधिक है। 59 शहरों में से इस वक्त 7 का प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में है। 5 शहर दिल्ली एनसीआर के ही हैं। इनमें सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी है, जहां एयर इंडेक्स बुधवार को 396 रहा। इसके बाद 372 के साथ जोधपुर दूसरे स्थान पर रहा, 369 के साथ गाजियाबाद तीसरे स्थान पर, 346 के साथ नोएडा चौथे स्थान पर, 336 के साथ गुरुग्राम पांचवे स्थान पर, 315 के साथ पाली छठे स्थान पर और 302 के साथ दिल्ली सातवें स्थान पर रही। एनसीआर के शहरों में सिर्फ फरीदाबाद में एयर इंडेक्स 300 के नीचे यानी 286 दर्ज हुआ। गुरुवार को प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। अगले 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या बनी रहेगी। हवाओं के साथ नमी का स्तर बढ़ने और धूल उड़ने की वजह से प्रदूषण बढ़ा है। ये पिछले साल की तुलना में प्रदूषण इस साल ज्यादा रहेगा। इसे देखते हुए CPCB ने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन उस पर भी काम बहुत ज्यादा हो ही नहीं रहा है। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।